अरे इस बानर ने तो खतरनाक हुड़दंग मचा दिया यार। आज सवेरे मैं आंखें मलते मलते बाहर आया तो देखा कि कोहरे की जगह बारिश ने ले ली थी, और रोज की तरह फिर मैंने गर्म पानी पिया और छत पे चला गया धूप के दर्शन करने। अब जैसे ही किताब पढ़ने बैठा मम्मी ने बोला पहले खाना खा ले। खाने में बाजरे की रोटी और साथ में अपने खेत की सब्जी। इसे निपटाने के बाद मैं फिर से छत पर आया और पढ़ने बैठ गया, क्योंकि आज मुझे इस किताब को खत्म करना था, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। फिर मम्मी ने बोला कि भाग के जा, घर के अंदर बंदर घुस गया है। नीचे आकर देखा तो आलू और प्याज का भोग लग चुका था, तो मैंने अपने सर पे कफन बांधा और लठ लेके अपने खेत में तैनात हो गया। वैसे तो ये वानर मेरा सजीला शरीर देख के ही डर जाता, लेकिन किसी पे इतना अत्याचार ठीक नहीं। पहरा देकर लौटा तो देखा कि पिताजी दद्दू जी की दाढ़ी बना रहे थे, और अपने लक्ष्य से भटक कर मैंने 5 मिनट के लिए फोन उठाया और कब वो 2 घंटे हो गए मुझे पता ही नहीं चला। ट्यूशन पढ़ाने गया तो छात्र के वहाँ प्रो लेवल के बंदर आए थे, जो स्वयं टंकी का ढक्कन खोलकर पानी के साथ आम छाई छप्पा छाई कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इनका पालतू जीव शेरा भोग विलास में लीन एक के बाद एक टॉफी खाए जा रहा था। बंदरों को देखकर ये भौंकना तक भूल गया। अब आप ही बताओ, शेरा पालतू जानवर है कि फालतू जानवर है?